तो पीएम मोदी माता हीराबानो आज सौमु जन्मदिवस है। अमदावाद जगन्नाथ मंदिर विशेष भंडारा आयोजन कर पीएम मोदी परिवारजनों जगन्नाथ मंदिर पहुंचा। पीएम मोदी मोटा भाई अमृत मोदी जगन्नाथ मंदिर पहुंचा। वर्षो ना वर्षो माना आशीर्वाद अपने मलता रहे ये हमारे अपेक्षा। अन्य तेमना परिवारजन है तेमनी साथे वात करीशु। खास आज नो कार्यक्रम शू ने केटलो उत्साह है अपना मां भंडारो पण थशे संतो साथे रहेशो आप परिवारजनों? बस आनंद थी भोजन करीशु अने बाने सात्विक आनंद मळे के भाई मारा दीकराओ बधा आज मारो जे आ लगावतो त्यां आगर भोजन करशे बस ए आनंद मळे महत्वनो। आवाना छे आजे ना बानी हाजरी में कोई शक्यता नथी बराबर कारण के एमनी तबियत ने ध्यान में लेता विचारी न सकाय के। तो परिवारजनों ही पहुंचा छे ने हीराबाना दीर्घ आयुष्य माटे प्रार्थना करी रहा छे संतो साथे भोजन करशे ने तमाम लोगों ने जे छे ते भंडारा में जे प्रसाद होय छे जगन्नाथ मंदिर नी परिवार नु कहेवुं छे के हीराबाने खूब ज भगवान जगन्नाथ साथे लागणी छे आस्था रहेली छे माटे आ स्थळ आ मंदिर पसंद करवामां आव्युं ने हवे अहीं तमाम लोगों ने जन्म दिवसे प्रसाद आपवामां आवशे। कैमरामेन अजय पटेल साथे दीपक सोलंकी वीटीवी न्यूज अमदावाद। तो इस प्रकारे पीएम ना परिवारजनों जगन्नाथ मंदिर खाते पहुंचा छे। परिवारजनों संतो साथे आज भोजन करशे। खास भंडारानुं पण आयोजन करवामां आव्युं छे। पीएम मोदी ना मोटा भाई जगन्नाथ मंदिर खाते पहुंचा छे। अमदावाद जगन्नाथ मंदिरे विशेष भंडारानुं आयोजन करवामां आव्युं छे। समग्र मोदी परिवार जगन्नाथ मंदिर खाते पहुंच्यो छे। खास आयोजन करवामां आव्युं छे। तो संतो साथे मोदी परिवार भोजन ग्रहण करशे ने त्यारबाद श्री भंडारानुं पण आयोजन करवामां आव्युं छे। पीएम मोदीना परिवारजनों हाल तो जगन्नाथ मंदिरे पहोंच्या छे। पीएम मोदीना माता हीराबानो आजे सौमु जन्मदिवस छे त्यारे परिवार अमदावाद जगन्नाथ मंदिरे पहोंच्यो छे। विशेष आयोजन करवामां आव्युं छे। हीराबाना जन्मदिवस निमित्ते भंडारानुं आयोजन करवामां आव्युं छे। तो पीएम मोदी ना मोटा भाई पण जगन्नाथ मंदिर खाते पहुंचा छे। अमदावाद जगन्नाथ मंदिरे विशेष भंडारानुं आयोजन करायुं छे। संवाददाता दीपक सोलंकी आ मुद्दे लाइव जोड़ाया छे। दीपक, जे प्रकारे आजे वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी ना माता हीराबानो आजे सौमु जन्मदिवस छे परिवार मां पण खुशी जोवा मळी रही छे अने हवे परिवार जगन्नाथ मंदिर खाते पहोंच्यो छे। बिल्कुल, वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी की मुलाकात बाद हवे परिवार जे छे ते जगन्नाथ मंदिर खाते पहोंच्यो छे ने तेमना द्वारा हाल आ तमाम जे भंडारा की व्यवस्था करवामां आवी छे ते पण करवामां आवी रही छे। हाल आ दृश्यो पण जोई शकाय छे के आखो परिवार जे छे ते अहीं पहोंच्या छे ने परिवार में एक खूब ज उत्साह की लागणी छे। तेमनी साथे आपणे वात करवानो प्रयास करीशुं। केटलो उत्साह छे आजे जगन्नाथ मंदिर आया हीराबानो जन्मदिवस छे? सर, घणो ज आनंद छे कारण के बानो सौमो जन्मदिवस छे अने बाने आ मंदिर साथे घणो बधो लगाव हतो पहले थी अने एक जग्या उपर बाना सौना जन्मदिवस नी अंदर मे उजवी रह्या छे एटले घणो बधो उत्साह फेमिली ने छे के आजे मारा दादी ए 100 वर्ष पूरा कर्या छे। एटले केटली लागणी ने उत्साह छे? सर, लागणी तो होय ज ने, बा जोडे अमे मोटा थयेला होय एटले बा माटे नी लागणी तो अलग ज होय, ए स्वाभाविक छे। बिल्कुल, तो परिवारजनों जे छे ते अहीं पहोंच्या छे तेमना भाई साथे पण आ एक एक वात वात करीशुं। आजनो खाली शुं कार्यक्रम अने केटली आपने लागणी छे? खूब ज सारी लागणी छे। 100 वर्ष दादी पूरा करता होय ने अमारी अवसर जोवानो आवे बहु सरस मोटी वस्तु छे बराबर। एना माटे थी अमे बधा परिवारना सभ्यो साथे साथे भोजन करशुं। बस खूब आनंदनी लागणी छे। बिल्कुल, तो परिवारजनों जे छे ते अहीं पहोंच्या छे। तमाम लोको जे छे आखे जे वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी नो परिवार जे छे ते अहीं पहोंच्यो छे। आजे सात्विक भोजन संतो साथे करवाना छे। बाना पुत्र जे छे अमृतभाई ते पण आ दृश्यो जोई शकाय छे के तेमनी पण ઉંમર છે પરંતુ તે અહીં પહોંચ્યા છે। તેમનો પરિવાર જે છે તે પણ અહીં છે। તેમની સાથે વાત કરવાનો પ્રયાસ કરીશું। સાહેબ, આજે બાનો જન્મદિવસ, આપ પણ અહીં પહોંચ્યા છો, બાની મંદિર સાથે લાગણી, કેટલો ઉત્સાહ છે, શું કહેશો એ બાબતે? બાબતમાં તો હું એમ કહી શકું કે મારા જન્મ પહેલા મારી માને આ ભગવાન પ્રત્યે બહુ લાગણી અને એમની અપેક્ષા હતી કે મારે મંદિરમાં ભંડારો કરવો છે। આજે ઉત્તમ દિવસ, સારો દિવસ અને એ નિમિત્તે અમને એક આ તક મળી ગઈ એટલે બધા ભાઈઓ ભેગા થઈ માના આ સાધુ જમાડવાનો ભંડારો કર્યો અને સાથે અમારું ફેમિલી જમશે
એટલી પ્રાર્થના કરો છો બાના દીર્ઘ આયુષ્ય માટે? પીએમ સાહેબ પણ સવારે પહોંચ્યા હતા. દીર્ઘાયુષ માટે એક જ વાક્ય એમ કહું ને કે અમે એવું ઈચ્છીએ કે આ વર્ષોના વર્ષો સુધી અમને આશીર્વાદ આપતા રહે અને ભગવાન જગન્નાથજીને કૃપા એમના પર વર્ષતી રહે. બિલકુલ, તો પરિવારમાં ખૂબ જ ઉત્સાહ જે છે તે જોવા મળી રહ્યો છે, કારણ કે જે બાના હાથે તેઓ મોટા થયા તેમના પ્રત્યે ખૂબ જ લાગણી છે. પરિવારજનો પણ અહીં પહોંચ્યા છે અને તમામ જે પરિવારજનો છે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના તે તમામ અહીં પહોંચી ચૂક્યા છે અને આ તમામ લોકો જે છે તેમના દ્વારા હવે સંતો સાથે ભોજન કરવામાં આવશે, ભંડારો કરવામાં આવશે. હીરાબાને એક ભગવાન જગન્નાથ સાથે આસ્થા હતી, અહીં તેઓ આવતા પણ હતા અને હવે તેમના દ્વારા જ્યારે તેમની એક લાગણી હતી કે અહીં ભંડારો કરવામાં આવે ત્યારે તેમના 100મા જન્મ દિવસે પરિવારજનો જે છે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના તેમના દ્વારા ભંડારો કરવામાં આવી રહ્યો છે અને આ તમામ સંતો સાથે લોકોને ભોજન અને પ્રસાદ જે છે તે અર્પણ કરશે. જી બિલકુલ, આભાર.